दरियल उन्नति में आपका हार्दिक स्वागत है विथ माई ऑर्गेनाइजेशन। एक जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, दूसरा चल रहा है। और ये देखो मेरी सारी चीजें, मैं बोल रही हूँ ना, मैं यूज करती हूँ, लेकिन आप शायद किसी को ऐसा लगे कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये देखो ये खत्म होने को आया इतना है, इसलिए मैंने दूसरा मंगा लिया था। फिर मैंने बोला था कि मैं ग्लो टॉनिक यूज करती हूँ पिक्सी का, तो वो भी इतना है। तो फिर मॉइस्चराइजर क्लिनिक की क्रीम वो भी है अभी, तो आई थिंक इतनी है, मैं देख लेती हूँ एक बार। है देखो अभी तो इतनी है, दिख रही है, तो क्रॉस हो चुकी है ना, तो इतनी ज्यादा नहीं दिख रही, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है नी इसका रखने का, जगह रोकता है, फेंक दो। फिर मैंने बोला था कि एक कभी कभार ये यूज करती हूँ, ये सबसे ज्यादा किशन यूज करता है, डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। और मेरे पास सनस्क्रीन के बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि एक ये है, फिर हाइफन वाला कहाँ रखा, एक ये है हाइफन वाला, ये तो पूरा भरा हुआ है, ये रेगुलर यूज करती हूँ ना, तो वो मैंने अपनी पटारे रखा है। फिर ये मेरा रेगुलर कॉम्पैक्ट है, NC30 यूज करती हूँ, ये रख देती हूँ 2 मिनट गाइस। ये मेरे लेंस का लिक्विड, मेरे पास मस्कारा भी बहुत सारे होंगे, देखो एक, ये दो, ये तीन, ये दोनों एक ही कंपनी के मेबलिन के वेरिएंट है दोनों, ये कॉस्मिक ब्लैक और ये स्काई हाई ब्लैक। तो ये दो और ये तीन, और एक तो मैंने बताया था ना कि मैंने मंगाया है, तो उसमें पड़ा है, नया मंगाया था, वो किधर उधर पड़ा है, ये है मेरा सिंदूर जो मुझे किशन ने शादी से पहले गिफ्ट किया था, तो ये मैं अब तक अपने साथ रखती हूँ, मैं यही सिंदूर लगाती हूँ गाइज, रेगुलर में यूज नहीं करती। आप लोग बहुत बोलते हो कि रेगुलर में यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि कभी कभार कुछ शूट ऐसे भी आते हैं कि जिसमें हमको सिंपल दिखना होता है, तो कभी कभार मैं ये भी लगाती हूँ, मार्स बीबी क्रीम रखती हूँ, लगाना नहीं लगाना तो मूड की बात होती है, लेकिन रखती हूँ। और मेरा सबसे फेवरेट मॉइस्चराइजर मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, जॉनसन्स बेबी, ये बेबी मेरे को बहुत पसंद है। और मेरे पास बहुत सारे लिप बाम्स है, एक आपको दिखाती जाती हूँ मैं, किधर भी मेरी सबसे फेवरेट, ये पूरी खत्म होने को है अभी, टू, फिर ये लनेज 3, और फिर से लनेज, और लिप बाम्स मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो अभी 2-3 तो निकलेगी। एक ये है कलर चेंजिंग 5, ये टूट गई है गाइज। फिर एक ये भी है स्विस ब्यूटी की 6, फिर ये है डॉट एन की 7, लिप बाम का मेरे पास खजाना है, पूरा खजाना। अरे भाई, सो ये हो गई लिप बाम्स। एक मेरे पास है कॉम्पैक्ट मिरर जो मैं कहीं जाऊँ तो साथ में रखती हूँ, मेरे को ये सब गोठाना पड़ेगा, गोठाते गोठाते बात करते हैं अपने, क्योंकि अगर नहीं गोठूंगी तो ये फिर से वही वाला पुराना कचरा हो जाएगा। ओके, सो ब्लश एक मैंने पहले दिखाई, एक ये है ब्लश, ऐसे दिखाते हैं स्विस। फिर अभी क्या दिखाओ, काजल दो है शुगर की है, कई बाहर जाना है तो लगाती हूँ, वरना रेगुलर में ये यूज करती हूँ, लेक क्यू ब्यूटी की काजल है, अच्छी है उसके लिए। फिर मेरे पास है ये प्राइमर शुगर का ग्लोरी, और है आईलैशेस कर्लर, अभी क्या दिखाओ, ये फिर से सिंदूर, लेकिन ये लिक्विड में यूज ही नहीं करती। और ये मैंने लास्ट नवरात्रि में एक स्टोल से खरीदा था, लेकिन खत्म हो चुका है, सो अभी ये डब्बी को फेंकना पड़ेगा, ये खत्म हो चुकी है।
फिर ये है एलोवेरा जेल, ये मैं यूज करती हूँ फेस नहीं आईब्रो और वो मैं रेजर से करती हूँ ना, तो उसके लिए मैं वो यूज करती हूँ। ये है मास्क का स्पैचुला, मास्क लगाने के लिए और ये रिमूव करने के लिए। फिर ये है मेरा हमेशा से फेवरेट ऑन गो फाउंडेशन, सब चला गया है लेकिन ये डर्मा का है, ये ऐसा आता है, ऐसे हाथ से लगा सकते हैं, अच्छा कवरेज है मस्त है। ये मैं हमेशा रेगुलर डेली वेयर में ये ही लगाती, मतलब अभी तो नहीं लगाया है और मेरे ड्रेसिंग के ड्रोवर में है तीन कलर की रील, और रील इंस्टाग्राम वाली रील नहीं, नीडल एंड रील। ये है मेरा फाइलर, नेल फाइलर। ये इतना आवाज क्यों रखता है साला पागल, एक्सपायरी डेट चेक करना पड़ता है, इतनी ज्यादा चीजें लेके चली गई। देखा पिलग्रिम का लिप स्क्रब था लेकिन एक्सपायरी डेट चली गई, सो दोनों साथ में लिया था तो ये और वो चली गई होगी, मैंने कितना यूज किया है। क्या स्मेल है ना इसकी, तो बात ही मत पूछो, लेकिन फेंक दिया। तो ये है मेरा आईब्रो और आईलाइनर तो मेबलिन का अलग होगा, इसके अंदर भी है। ये मैं ना नवरात्रि में वो छुंदना करती हूँ ना, उसके लिए ये यूज करती हूँ। और ऊपर ये है आईब्रो वाला, आईब्रो फिलअप के लिए। ये है मेकअप सुखाने के लिए पंखा। फिर ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर एक नया मंगाया है, वो भी मैं निकाल लूंगी, अभी के लिए तो इतना ही रख रही हूँ। छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर था पता है, इतू सा ये तो निकली इधर गया, इतू सा था, इतू सा। पता नहीं अभी होगा कहीं बैन तो निकलेगा। चलो अभी बारी लेते हैं लिपस्टिक की, सो लिपस्टिक दिखा दूं। मेरे पास ये दो है नायका के, रेगुलर वाले दिखा रही हूँ मैं ऑब्वियसली, दो नायका, एक ये लिप ऑयल है शुगर प्ले का टिंटेड, फिर है ये कलर मैक की छोटू मैक डी फॉर डेंजर, एक दूसरी है मैक ये बड़ी वाली है, मेरे सबसे फेवरेट शेड है ये वाला, इसका नाम है नेचुरल बॉर्न लीडर। हाँ नेचुरल बॉर्न लीडर। फिर है ये मेबलिन टू मोर, ये भी फेवरेट ही थी, अभी बहुत कम यूज करती हूँ। लिप बाम एक और रह गई मेबलिन, सबकी फेवरेट, और एक लिपस्टिक लिपी फाइनलिंक लिपी, ये वाला वेरिएंट मुझे बहुत पसंद है लिपी, एक और भी मंगाई है मैंने, आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग में। और एक और रील आ गई, और अभी क्या है, ये मेरा डब्बा है जिसके अंदर बॉबी पिंस, सेफ्टी पिंस, नेल का छोटा सा किट, फॉल्स नेल्स सब कुछ है, स्यूइंग किट्स भी है, इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर मैं और एक टिक टिक पिन डाल देती हूँ, पैसा भी है इसके अंदर 10-20 रुपए तो होंगे। सो ये हो गया, अभी रखने की जगह नहीं है, जगह बनाते हैं गाइस रुको। बोला अंदर थोड़ा झगड़म बगड़म हो गया लेकिन जगह बन गई। अभी बारी है लेंस की, तो लेंस दो रखती हूँ मैं, एक इसमें है, ये विदाउट पावर के है, ये पावर वाले है, तो इसको सेपरेट रखा है, ये साथ में रखा है। ये तो चला गया होगा एक्सपायरी रख लो, मेड इन कोरिया था। फिर ये है कुशल कंठिल, मतलब मेरी आवाज बहुत बैठ जाती है आपको पता होगा, तो ये ऐसी छोटी छोटी सी गोलियां आती हैं,
ये दो एक दो चबा जाने का, चबाना नहीं ऐसे चगड़ने का, तो दो ऐसे मुंह में रख के फिर उसको अपने आप पिघलने देने का, तो ये इससे गला अच्छा हो जाता है। ये तो मैं हमेशा रखती हूँ वार्डरोब वार्डरोब में, नहीं ड्रॉवर में, और कुछ नहीं है मेरा। ये मेरी वॉच, मेरी क्रीम्स, क्रीम्स मतलब कि पिंपल की, और ये नाइट क्रीम, और ये कौन सी है, ये मेरे मेरा जो पैर का अंगूठा जो है वो पक गया था ना, पक के फट गया था, तो वो पक गया था ना उसके लिए लगाने की थी, इन्फेक्शन से बचने की। ड्रॉअर ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, अब ये भी हो गया, देखो फिर भी मैसी लग रहा है ना, ये भी ऑर्गेनाइज करने के बाद भी। चलो इसको भी फिट कर देते हैं इसमें। ओ भाई हो गया। चलो अभी वार्ड्रोब वो वाले जो हमारे कपड़े के वार्ड्रोब है वो सब मैं साफ करूंगी, ऊपर का साफ कर दिया, ये कर दिया, अभी उसकी बारी है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था गाइज के मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं, वैसे रेगुलर शेड्स जो थे वो मैंने आपको अंदर जो ड्रेसिंग टेबल के पास दिखा दिए। ये सब शेड है जो कि मैं बाहर जाके जाने के टाइम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मेकअप करती हूँ तब, तो आप देख लो कितने सारे हैं मेरे पास। सबसे एक्सपेंसिव वाली लिपस्टिक इसको, ये सब कुछ मतलब इसमें रख रही हूँ, और ये मेरा पूरा लिपस्टिक का बक्सा हुआ। अगर आपको लिपस्टिक का ही सेपरेट ब्लॉग चाहिए स्वचिस के साथ तो मुझे एक बार कमेंट करो, मैं ये सारी जो भी मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक्स है जो भी ब्रांड की मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, तो पूरा लिपस्टिक का ब्लॉग करूँगी। और नेल पेंट मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ लेकिन रखती हूँ, दो मिनट दिखा देती हूँ। नेल पेंट्स भी सारी मैंने रखी है, करती नहीं हूँ लेकिन रखती हूँ, तो मेरे पास सब कुछ ऐसा है। आई शेडोज इसके अंदर सारे हैं, सारा सब कुछ है इसके अंदर, अच्छे अच्छे आई शेडोज। इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने सब गोठा दिया है। सो अगर आपको चाहिए व्लॉग सेपरेट लिपस्टिक का, मेरा लिपस्टिक कलेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए गाइस कि हमको आपका लिपस्टिक कलेक्शन देखना है, मैं लिपस्टिक कलेक्शन का पूरा वीडियो बनाऊँ। लिपस्टिक के साथ हमेशा हमें एक लिप लाइनर जो कि सबके साथ जाती है और एक ब्रश दोनों रखती है। ये हो गया हमारा लिपस्टिक का, अभी कई कई से एक दो निकलेगी छुट्टी छवाई, तो वो मैं फिर से इसमें रख दूँगी। चलो फटा से देखो इतना है मेरे पास मेकअप का, ये भी इसमें रखने का लिप का ही है। सो चलो अभी साफ सफाई कर लेते हैं पहले। सो गाइज अभी सफाई तो हो चुकी है वार्डरोब की, अभी सफाई करेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स की, मतलब कि ब्रशेस की। ये ब्रश क्लीनर है मेरा, इसको लेके हम करेंगे सफाई। ब्रश ले लीजिए, देखा वाइट वाइट हो गया, थोड़ा थोड़ा नॉड चालू रखिए, इसके ऊपर भी आप छिटक सकते हैं। घूमड़ घूमड़ के साफ कीजिए क्योंकि ये आपके फेस पे लगने वाला है। देखिए आप भाई नीचे मत देख, नीचे सब खराब है। इसको अभी हम सुखाएंगे तड़के में, तो मैं सारे के सारे ब्रश साफ कर लेते। देखो इसको दिखाती हूँ साफ करके, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वो तो वाइट ही है, तो उसमें क्या दाढ़ मारा तुमने, तो मैं ये दिखा देती हूँ। चाओ इसका आवाज़ आ रहा होगा। अगर आपके पास ये ब्रश क्लीनर नहीं है तो आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश से भी अच्छे से साफ हो सकते हैं ब्रशेस।
देखो इसमें कितना गंदा मैल आया। वो भी हाथ से चटक जा रहा। इसको तो बहुत ही घिसना पड़ेगा, मैं एक साल से यूज कर रही हूँ। बीच बीच में धोया है लेकिन इतना ज्यादा है। इसको तो देखो बहुत ही थोड़ा सा गया है लेकिन इसको बहुत मेरे को घिसना पड़ेगा गाइस। अगर आपको फेस वॉश से देखना है तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको, फेस वॉश से कैसे ये वॉश करते हैं। पहले मैं इसको खोल के ऐसा कुछ तूफानी कर देती हूँ। इधर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा है ना, उसमें मज़ा नहीं आता, ज़्यादा आना चाहिए। यार मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी यूज करना ही पड़ेगा फेस वॉश, क्योंकि देखो जा रहा है लेकिन इतना नहीं। तो चलो थोड़ा फेस वॉश से भी कर लेते हैं। तो अपने पास है आयुगा का फेस वॉश, तो इसे डाल दीजिए कोई भी आपके पास स्क्रबर हो उसके ऊपर, जैसे ले लीजिए और घूमेट दीजिए। इससे अच्छा सा क्लीन तो हो ही गया होगा, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर कलर नहीं जा रहा है तो ये साफ नहीं हुआ, मैला है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कलर का क्या है, डेली यूज होता है ना तो थोड़ा बहुत कलर तो बैठ गया होता है, लेकिन देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ चुका है। अच्छे से घिसो गाइस, गया मेरी मेहनत रंग लाई, मेहनत दिखा देती हूँ रुको आप लोगों को। टन 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 तारा, ऐसे ही सब साफ कर लो, मैं साफ करने के बाद दिखाऊंगी आपको। શું લઈ આવી તું નદી? ઉપદ્રવ અત્યારે મચ્છરોનો થઈ ગયો છે વધારે પડતો, તારા જેવા જે ગુણગુણ ગુણગુણ જ કર્યા કરે, કોણ કરે છે? અડધી રાત 3:30 વાગ્યા સુધી મને હેરાન કોલ કરે છે, એ તોડ નાખ તારી તો જાતને કૂતરો લઈ જાય, કૂતરા લઈ જાય તો હું કરીશ, ખાવા કોણ દે તને? જેન તે પાડ કરું છું અહીંયા આવી મોટી, હ વરનું ન તું શાંતિ હતી જીટુબીમાં, કિસમ તારા માટે કેવું લાઈ વસ્તુ હું, હા હું લાઈ તું બોટલ બસ બોટલમાં પૂરું દેવાનું, મને ઉતાર દેવાનું બોટલમાં, કિશનભાઈ નું પૂરું હઈ ન હોય, ક્યાં ગઈ ક્યાં ગઈ, પોતાની જાત પર માથા મુખ માથામાં લવલી ના માથામાં ભરાઈ ગયો છે, જા હા હા પછી બીજું એ આયરી જો પાછળ જો મારા પાછળ જજો મચ્છર એક મચ્છર મારતા કેટલી વાર લાગી, જો આયરી જો એ જોયું પવન વેગે દોડે છે, પવન આયરે તાર બાજુ જજો બધી હમણાં જો જ્યાં નીકળી જાય રેવા દે ને ભાઈ, કોક ને તો જીવવા દે, મને તો નહીં જીવવા દેતી પણ એમને તો જીવવા દે તું, લાય પેલા વાયર બે લાય
આ નામ અડાડું એટલે એને ખબર પડે કે હું થાય બગાડ નાખી જો આવું ના તકલાદી લઈ લઈને આવું છું જ્યાં ત્યાંથી હું નથી તું તોડી નાખ્યો તો મારો લો લો ચાર્જિંગ કરજો ને કે એમનેમ કરશો નહીં ઓ એમનેમ કર જૂની જાળે આઈ મોટી ચાલ આવું મારું રૂમમાં મૂકી ક્યાં રખડી આઈ તું એ બીબી આ વાસે પેન્ટ આ વાસે પેન્ટ કેટલા વાળો છે તું હે વાળ કેટલા ઓછા થઈ ગયા 5 આ પેન્ટ આ પેન્ટ ઘુમાડી લે સાહેબ હા જર્ની પથારી ભરી ગઈ હતો તમારે એ ઉંદરે ચાર્જિંગ કરી દેને મારે તું મને હે કાર્ડ પે કિસકા નામ લિખા હે ઉન્નતિ બાડી ભાગ અહીંથી તારો કાકો આઈ મોટી રામુ કાકા વાળી પ્રેમથી બોલ બે હિજા પ્રેમથી બોલ બરાબર તું બોલે છે આવ પ્રેમથી બોલ ત્યારે હું તને પ્રેમથી કહું છું ઓકે બોડાઈ બે જેમ કે બોડાઈ બે જલ્દી બે જેમ બોડાઈ બે જેમ બોડાઈ ભૂલતી સીધી સીધી બે એ નોટંકીની ઓલાદ સીધી બે મમ્મી તન કીધું મમ્મી હમણાં મેં કીધું હતું ને તો આબ ફાટી પડત બે ને સીધી સીધી તો છો ને હું કહેવાય હા હરી ગો ગો મને કરેવો ન સો ગાઈસ હમ અભી જાકે આયે ડીમાર્ટ મે ઓર બહોત સારા ઓ ગિયો તારું ડીમાર્ટ જો લાયો ગિફ્ટ તારા માટે ક્યાં લઈ ગયા તો હેવી ગિફ્ટ છે આ તો છૂટતી નથી મારતી બાપુ ક્યાં હે देखो सही ओ माय गॉड अनंत ज्वेलरी से मेरे को लगता है कुछ सोना सोना वगैरह लेके आए बस सोई सोनू लेव छे तुम्हारे चांदी ऊपर तालो का ये नहीं तार प्रेम जत नहीं सु हे खबर कोई तो ले पण देख लेती बन के तितली दिल उड़ा 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 है पापा ने परी खरी तू कही दूर બહુ મસ્ત છે હું તો આ પહેરી લઉં છું અત્યારે જ પણ આ ગાંઠ કાઢતો ગાઈસ કો અંધારા આવી ગયા એવું નહીં ટોર્ચ ચાલુ છે ને એક્ચ્યુઅલી તો બાડી છે સફેદ વાળું કાલે આપણે કાઢ્યું હતું એ તો લદ્દાખ થી લઈને ફરવા ગયો હોય તો ખબર જ હોય કે લાવવાનો જ છે ભાઈ તમે ખોટા ખર્ચા કરો છો હવે તો ગાઈઝ ને લાગે ખાલી તમે ઝઘડા જ કરો છો પણ આ બોલે આવું તો પછી ઝઘડા તો થાય જ ખાલી ગીત મારું લાગે સારી દુનિયા જલા દેંગે જલાવાય ના બાપા જો આ માર ભાઈ ને એક મિનિટ હું
हम जा रहे हैं एक बहुत ही मस्त प्लेस पे जहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैंग आउट हो सकता है, तो अभी जा रहे हैं वहाँ, जाके दिखाएंगे कि किस जगह पे जा रहे हैं। चलो गाइस, चलो 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 चलो। ए ब्रिजेश भाई, कौन सी गाड़ी में? कौन सी गाड़ी में? कौन सी गाड़ी में बैठने वाले? अपने पास तीन तीन गाड़ी है। हाँ, तो अभी कौन सी गाड़ी में? ये घूमने के लिए, ये सिटी में घूमने के लिए, और वो अंधेरे की रानी तो दिख ही नहीं रही पहाड़ में घूमने के लिए। तो फिर अभी क्या है, कौन सी? अभी तो सिटी में घूमने जाएंगे। तो फिर भी दो गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी कि एक गाड़ी? गाइस दो, तो इसको मेरे साथ ले जाता हूँ, इसको और फिर लेडीज गैंग आप में बिठा दो। तो मैं क्या करूं? तो मैं लेडीज ग्लूकोन भी हर ले जाओ, मारे पहला पंचाल ने लेवा जाओ। कौन पंचाल? प्रतीक बॉय, मैं ले आता हूं उसको, हम लोग दोनों ले आते हैं। हम लोग हैंडल ही है, पता है ना आपको, लाइसेंस वाइसेंस है नहीं। तो हम लोग पहुंच गए छे बापू नो डेलो द कैफे। किशन यो सुसारू मळे अइया, एड्रेस बोल दे तो बका। ऑर्गेनिक पिज्जा एक नंबर है, हाथे थी बनायला। एड्रेस ओगणत सर्कल, यहाँ छे आर यू ओगणत सर्कल। अने बताई दो गाइस, आ ओगणत सर्कल अने नी एग्जिट सामे अहीं छे ऑनेस्ट, अने ऑनेस्ट नी एग्जिट बाजुमां छे बापू नो डेलो। सो अहीं अमारो सौथी फेवरेट पिज्जा छे के जेनो बेज ने बधुं जाते बनावे छे। सो अहीं जो થાર નથી, જીપ પડી છે, આજકાલ થાર બહુ દેખાવા માંડી જીપ છે। તો ચલો જઈએ અંદર, ફટાફટ પિઝા ખાઈએ, બહુ બધા બહુ બધા ચીઝ વાળા પિઝા ખાઈએ। સર સર એક વાર ઓલું કરો ને, ઓલું કરો ને કિશન, એક મિનિટ તું બોલતો ને, ઓલું કરો ને ના, કેવું 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 કરવામાં, એક વાર બતાવી દે, બતાવી દે ફટાફટ। સો અભી બજે હે 3 ઓર હમ લોગ જા રહે હે ઘર। બહોત બેઠ લિયા, બહોત બાતે કી, पूत की बातें की, ऐसी बातें की, वैसी बातें की, कहां कहां की बात की, कहां पहुंच गए हम बातों में, बहुत आगे पहुंच गए। लेकिन अभी घर पहुंचना है क्योंकि नींद आ रही है सबको, तो अभी हम जा रहे हैं घर। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।